विराट कोहली और गौतम गंभीर आईपीएल मैच के बाद मैदान पर क्यों भिड़ गए? कभी अच्छे दोस्त और शानदार टीम मैच के तौर पर देखे गए और बाद में आईपीएल मैदान पर अपनी दुश्मनी के किस्सों के लिए चर्चा में रहे भारतीय क्रिकेट के ये दो दिग्गज क्या फिर से तकरार की नई कहानी लिखने जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर कई यूजर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच सोमवार का मैच खत्म होने के बाद जो तस्वीरें दिखी, ये सवाल उन्हीं को लेकर उठ रहे हैं। ये तस्वीरें अगर नहीं दिखी होती तो शायद इस मैच की उतनी चर्चा भी नहीं होती। धीमी पिच पर खेला गया ये एक औसतन मुकाबला था, जिसमें बंगलोर ने पहले खेलते हुए जैसे तैसे 9 विकेट पर 126 रन बनाए और लखनऊ सिर्फ 108 रन पर ही ऑल आउट होकर 18 रन से आरसीबी ने यह मैच जीत लिया। मैच में खेल का रोमांच उसी वक्त दम तोड़ने लग गया था जब घरेलू मैदान पर खेल रही लखनऊ टीम ने सिर्फ 38 रन पर 5 विकेट गवा दिए थे। लेकिन इस मैच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गेंद और बल्ले के मुकाबले से बड़ा तमाशा अभी बाकी था। इसमें दोनों टीमों के कई किरदार शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिन 3 नामों की हो रही है वो है विराट कोहली, लखनऊ टीम से खेलने वाले अफगानिस्तान के नवीन उल हक और गौतम गंभीर। बात सिर्फ अगर खिलाड़ियों के गेंद और बल्ले के प्रदर्शन से हो रही होती है तो ये मैच शायद खत्म होने के साथ ही बुला दिया जाता। ऐसा नहीं है, खिलाड़ियों ने जोश नहीं दिखाया, लेकिन दोनों टीमों में से किसी के खिलाड़ी ने इस मैच में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जो यादगार बन जाता। लेकिन अब ये तय है कि ये मैच इतनी आसानी से नहीं बुलाया जाएगा। अब जान लेते कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था जो विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक पर जुर्माना लगा दिया गया। इसके बारे में पहले कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आईपीएल ने आधिकारिक रूप से जानकारी दी है। मैदान पर नोकझोंक की इस घटना के बाद आईपीएल ने गौतम गंभीर, विराट कोहली और लखनऊ के गेंदबाज नवीन उल हक पर जुर्माना लगाया है। आईपीएल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि गौतम गंभीर ने आईपीएल के नियमों का उल्लंघन किया है और उन पर 1 मैच की फीस का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल ने अपने बयान में कहा कि विराट कोहली पर भी आईपीएल के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया कि गौतम गंभीर और विराट कोहली ने आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप को स्वीकार किया है। वहीं गेंदबाज नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने भी नियमों के उल्लंघन के आरोप को स्वीकार किया है। पूरे प्रकरण के बाद मैच का प्रसारण कर रहे ब्रॉडकास्टर की कमेंट्री टीम में शामिल पूर्व खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट समीक्षकों और फैंस ने वीडियो में खिलाड़ियों के हाव भाव को देखकर अनुमान लगाने की कोशिश की, और जो अनुमान लगाए गए वो कम से कम ये तस्दीक नहीं करते कि सब कुछ खेल भावना का प्रदर्शन था, बल्कि कुछ ने तो इसे बेतुका बता दिया। पूरे घटनाक्रम के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे ही वीडियो में पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कोच रवि शास्त्री को कहते सुना जा सकता है कि कोई जरूरत नहीं है, गेम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, 2 पॉइंट मिल गया, क्या बोलना है। उनसे बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह कहते हैं ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। रवि शास्त्री उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते कि कोई जरूरत नहीं है, ये लो स्कोरिंग गेम है, ठीक है, गर्मा गर्मी होती है, वो ग्राउंड पर छोड़ो। ज्यादातर वीडियो के जरिए घटना के 4 हिस्से सामने आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जिस घटनाक्रम की बात हो रही है उसमें मैच के बाद विराट कोहली लखनऊ के बल्लेबाज काइल मायर्स के साथ चलते हुए बात करते नजर आते हैं। तभी गौतम गंभीर आते हैं और मायर्स का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद गौतम गंभीर मुड़कर कुछ कहते दिखते हैं और उन्हें केएल राहुल आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन गंभीर दोबारा कुछ कहते हुए आगे बढ़ते हैं। वो विराट कोहली के करीब पहुंचते हैं, कोहली गंभीर के कंधे पर हाथ रखते हैं और उन्हें कुछ समझाते दिखते हैं। दोनों हाथ हिलाते हुए कुछ कह रहे हैं। इस बीच हेलमेट पहने अमित मिश्रा दोनों के बीच आ जाते हैं और उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। इस बीच बेंगलोर के कप्तान ड्यू प्लेसी भी नजर आते हैं जो हंसते हुए
विराट कोहली को अपने साथ ले जाते हैं। अब चर्चा हो रही कि आखिरकार गौतम गंभीर ने क्यों विराट कोहली से अपने एक खिलाड़ी को अलग किया, क्यों उनको अपने साथ ले गए। इसके बीच विवाद के तीन हिस्से सामने आए हैं। एक कथित विवाद मैच के दौरान का है। लखनऊ की पारी के 16वें ओवर के बाद नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच बहस होती दिखती है। पिच पर मौजूद अमित मिश्रा और अंपायर बीच बचाव करते नजर आते हैं। विराट कोहली अमित मिश्रा और अंपायरों से कुछ कहते दिखते हैं। एक अन्य वीडियो मैच के बाद का है, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। इस दौरान विराट कोहली और नवीन भी हाथ मिलाते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहते हैं और फिर नवीन विराट कोहली का हाथ झटक देते हैं। यहाँ मैक्सवेल बीच बचाव की मुद्रा में दिखते हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में बाउंड्री लाइन के करीब विराट कोहली और केएल राहुल बात करते हुए दिखते हैं। नवीन वहां से गुजरते नजर आते हैं। केएल राहुल उनसे कुछ कहते हैं, लेकिन वो उनके पास आने के बजाय सिर हिलाकर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि कहानी दिखी भले ही सोमवार को लखनऊ में हो रही, लेकिन करीब 20 दिन पहले ही इसका पहला पन्ना बंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में लिखा गया था। 10 अप्रैल को ये दोनों टीमें बंगलोर के चिन्ना स्वामी मैदान पर आमने सामने आई थी। लखनऊ ने आईपीएल के 16वें सीजन का सबसे सनसनीखेज रन चेज करते हुए 213 रन बनाकर बंगलोर को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराया था। मैच के बाद लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर की मुंह पर उंगली रखी तस्वीर वायरल हुई थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बेंगलोर के स्टेडियम में मौजूद आरसीबी फैंस को चुप रहने की हिदायत दी थी। सोमवार के मैच में 127 रन का बचाव करते वक्त विराट कोहली लखनऊ का हर विकेट गिरने के बाद जिस अंदाज में जश्न मना रहे थे, कई लोगों ने इसे उनके गौतम गंभीर को जवाब के रूप में देखा है और लोगों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है विराट कोहली का अंदाज राय के वह सूत समेत हर बार वापिस लौटाते हैं और गौतम गंभीर ने जिस तरह चुप करने के लिए इशारा किया था, विराट कोहली भी वैसा करते नजर आए। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई के मजे भी ले रहे हैं। कारण एक है, क्योंकि गौतम गंभीर खिलाड़ी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और सांसद भी है, जिस कारण कुछ लोग कह रहे कि विराट कोहली ने अंपायर और गौतम गंभीर से कह दिया था कि अब की बार कांग्रेस जीतेगी कर्नाटक में, जिसको लेकर आपस में गौतम गंभीर और विराट कोहली भिड़ गए। इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे कि विराट कोहली ने मजाक मजाक में गौतम गंभीर को सुना दिया था कि राहुल गांधी जिंदाबाद, जिसके बाद लोग भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होते हैं वो भड़क जाते हैं, और वैसा ही गौतम गंभीर के साथ भी हुआ। लोग इसको मजाक में लेकर भी चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर विराट कोहली की फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो सोशल मीडिया पर उनका पलड़ा भी भारी है, जिस कारण लोग तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व इंडियन टीम के खिलाड़ी गौतम गंभीर की फैन फॉलोइंग देखिए और दूसरी तरफ हमारे विराट कोहली की फैन फॉलोइंग देखिए। लोग तरह तरह की तुलना कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे कि यह तुलना करना बेकार है, विराट कोहली का मुकाबला गौतम गंभीर से मत करो तो ही अच्छा है। आपको बता दें कि बेशक से आरसीबी ने बिल्कुल लो स्कोर बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली पूरे मजे ले रहे थे। और इतना लो स्कोर होने के बावजूद, क्योंकि अनुष्का शर्मा का भी जन्मदिन था, फैंस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विराट कोहली के समर्थक थे। उन्होंने हैप्पी बर्थडे भाऊजी लिखकर बहुत सारे पोस्टर भी हाथों में ले रखे थे और विराट कोहली इस मैच में पूरे मजे ले रहे थे और बार बार गौतम गंभीर का इशारा कर रहे थे, जो उन्होंने चुप कराने का इशारा किया था, जिसके बाद समर्थक भी स्टेडियम में जमकर विराट कोहली का उत्साह बढ़ा रहे थे। और इतने लो स्कोर के बावजूद भी आरसीबी ने यह मैच जीत लिया, जिसके बाद विराट कोहली का दबदबा कायम हो गया और अब लोग विराट कोहली पर सवाल उठाने की बजाय बल्कि अकेले गौतम गंभीर को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे कि यह भाजपा नेता बनने के बाद इतना एटीट्यूड आया है। और लोग मजे भी ले रहे हैं कि विराट कोहली ने राहुल गांधी जिंदाबाद कह दिया था, इसलिए गौतम गंभीर लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए भिड़ गए हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब आईपीएल की तरफ से इन तीनों पर जुर्माना लगा दिया गया है, नवीन पर भी, विराट कोहली पर भी और गौतम गंभीर पर भी।
दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, देखते रहिए सच की आवाज।